तो भाई वो मारुति सुजुकी जल्दी मार्केट के लिए एक बहुत ही जबरदस्त 5 सीटर फैमिली कार लॉन्च करने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब भला मारुति सुजुकी की कौन सी कार भारत में एंट्री ले रही है। ऐसे दोस्तों आप सभी को बता दूं कि मारुति सुजुकी अभी भारतीय बाजार में कुछ पुराने मॉडल्स को नए अपडेट्स के साथ भारत में लाने की तैयारी कर रही है। मारुति ने कहा है कि उनकी लॉन्च होने वाली नई नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो उनकी सफल कारों में शुमार होने वाली है। आपको बता दें कि इस गाड़ी की बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इस कार को अपनी फैमिली के लिए बुक कर पाएंगे। अगर आप एक सेकेंड हैंड कार 3 से 4 लाख रुपए में तलाश रहे हैं तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप सभी के लिए एक नया विकल्प ऑप्शन इसी प्राइस रेंज में आने वाला, यानी मारुति सुजुकी आप सभी की चहेती कार ऑल्टो को नेक्स्ट जनरेशन विकल्प ऑप्शन के साथ एक मिड रेंज प्राइवेट अपडेट्स के साथ लाने वाली है। यानी ये उन परिवारों के लिए कार होने वाली है जो कि आज भी अपने 3 लाख रुपए से कम के बजट में कार लेने का सपना पूरा करना चाहते हैं। टेस्टिंग के दौरान ये देखा जा सकता है कि नई ऑल्टो के 10 को अपडेट करते हुए देखा गया था, मगर ऑल्टो भी मार्केट में अब नए अवतार के साथ एंट्री ले रही है। इसका लेटेस्ट रूफ लाइनअप इसके क्रॉसओवर लुक को और भी ज्यादा डिटेलिंग देता है, साथ ही साथ यूथ को ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है। नई मारुति ऑल्टो 2022 को आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसके कार के फ्रंट में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ डे टाइम रनिंग लाइट्स का कॉम्बिनेशन सेटअप दिखाई देता है और मोनोटोन के साथ ही आपको एक नई ग्रिल अपडेट रेटिना द्वारा दिखाई देती है जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ ऑल्टो की भारी लुक को काफी एग्रेसिव बना रही है। बीच में वही सुजुकी के लोगो को दर्शाया गया है। नीचे की तरफ आप सभी को प्राइस रेंज में फॉग लैंप्स को भी संचालित किया गया है। ये फॉग लैंप्स आपको इसके मिड से लेकर सभी वेरिएंट्स में दिखाई देने वाले हैं। नए बम्पर और एक प्लास्टिक रेडियस ऑप्शन के साथ पेंट बम्पर अपडेट सुविधाओं को भी इस कार में ऐड करते हुए एक स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है। साथ ही साथ प्रोफाइल में 17 इंच के अपडेटेड टायर्स के साथ प्लस में कंपनी फिटेड एलॉय व्हील पहली बार ऑल्टो के सेगमेंट में मिल रहे, यानी अब बाहर से एलॉय व्हील लगवाने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही साथ मिलेगा आपको ऑल्टो के 10 माइक्रो SUV कार में रियर सेक्शन भी बिल्कुल नया। फ्रंट की तरफ ही रियर सेक्शन में भी कुछ नए डिजाइन को ऐड कार में किया गया है। इस पे भी नए टेल गेट्स के साथ ही काफी बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। उसका कारण है कि सुजुकी ने नए हाईटेक प्लेटफॉर्म पर अपनी ऑल्टो के 10 को डिजाइन करा है। एक्सटर्नल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो कि कार को वाकई में ही काफी जबरदस्त बनाते हैं। साइड प्रोफाइल में साथ ही साथ क्रोम फिनिशिंग के साथ न्यू हैंडल बार्स और दोनों विंग स्पैन्स के नए डिजाइन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और देखा जाए तो ऑल्टो के 10 माइक्रो SUV अवतार के साथ एक एग्रेसिव लुक भारत में दिखाई देती है, जो कि टाटा पंच के मुकाबले आप सभी को ऑल्टो के 10 का ये रूप बड़ा पसंद आने वाला है। यहाँ तो हो गई नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के एक्सटीरियर की बात, अब बात कर ली जाए आखिरकार इस जबरदस्त माइक्रो SUV अवतार में आने वाली ऑल्टो के अंदर कौन से इंजन का प्रयोग किया है जो कि भारत में मौजूद आज के 2022 के टाइम में कारों को टक्कर दे सके और बढ़ते पेट्रोल के दाम को देते हुए आप सभी को राहत भी दे सके। नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो में कंपनी ने अपने फ्यूल एफिशिएंट 1.2 लीटर के 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑप्शन का इस्तेमाल पहली बार ऑल्टो में किया है, जो कि भारत की सड़कों पे अधिकतम आप सभी को 89 BHP की मैक्सिमम पावर को जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। कार के साथ आप सभी को 110 Nm का टॉर्क भी मिलता है, जिसके जरिए कार आपकी हवा से बातें रोडों पे करने वाली है। साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के अंदर आपको 5 स्पीड EMT और मैनुअली दोनों ही गियरबॉक्स विकल्प ऑप्शन चुनने का मौका दिया है। अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट की तरफ जाना चाहते हैं अच्छी बात है, या फिर मैनुअल वेरिएंट की तरफ जाना चाहते हैं तब भी अच्छी बात है। माइलेज की पूर्ण रूप से बात करी जाए आखिर मिलेगा 40 का माइलेज। जी हाँ, हैरान कर देने वाली बात तो यही होगी है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो में इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ पेट्रोल इंजन के चलते आप सभी को भारत की सड़कों पे प्रति लीटर में 40 तक के आसपास माइलेज मिलने वाला है, जो कि अपने सेगमेंट के हिसाब से भारत में ऑल्टो के अंदर देखा पहली बार जाने वाला है, जो कि अपने जबरदस्त प्रदर्शन के साथ भारत में आप सभी को फ्यूल एफिशिएंट और पेट्रोल के बढ़ते दामों से छुटकारा भी दिलाने वाली है। साथ ही साथ बात कर ली जाए ऑल्टो के 10 के इंटीरियर और फीचर्स के बारे में, तो जी हां, अब आप सभी को दोबारा से चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस कार के अंदर इस प्राइस रेंज के अंदर आप सभी को एक बेहतरीन प्रीमियम इंटीरियर और जबरदस्त फीचर्स की लिस्ट देखने को मिलने वाली है, जो कि आज के समय में एक आम इंसान अपनी कार को लेते हुए इन सभी फीचर्स से 2022 में रूबरू होने वाला है। सबसे पहले डैशबोर्ड की बात करें तो घुसते ही आप सभी को फाइनल डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें ब्लैक तथा सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ अपडेटेड डैशबोर्ड को एक ग्लॉसी लुक दिया गया है, जिसमें दोनों साइड आप सभी को क्रोम अपडेट फिनिशिंग के साथ न्यू AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनका डिजाइन भी बिल्कुल न्यू होने वाला है। 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन कोविड-19 के
चलते स्विच वायु आप सभी को कार में देता है। इस ऑप्शन को भी प्रणाली के द्वारा संचालित किया गया है। साथ ही साथ सेंटर कंसोल की शान बढ़ाने वाला इस कार में आप सभी को टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 7 इंच का देखने को मिलता है, जो कि वाकई में ही जबरदस्त बात है। जो कि HD फॉर्म में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, UVI कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम, क्या ही कहने, वॉइस कमांड से भी आप इस कार में एक्सेस करके अपने अनुभव को और भी ज्यादा बेटर कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्फोटेनमेंट क्लस्टर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इस कार में फास्ट चार्जिंग की सुविधा, USB पोर्ट, प्लगिंग सेक्शन ऑप्शन के साथ बोसी के 3 साउंड स्पीकर ऑप्शन, म्यूजिक सुनने वालों के लिए कार में चांद चांद लगाने वाले है। तो है ना कमाल की बात। यहाँ तो होगी फीचर्स की बात, अब इंटीरियर पे गौर किया जाए तो जी हाँ, इंटीरियर को भी कार में खूबसूरत बनाया गया है। सबसे पहले तो कार में आपको कंफर्ट वाली सीटें दिखाई देने वाली है, जो कि अपोल सीट से रिप्लेस की गई है। बकेट स्टाइल के साथ इस कार की सीटों को काफी जबरदस्त आप सभी के लिए डिजाइन किया है, जो कि बटन द्वारा ऑटोमेटिक एडजस्टेबल अपडेट्स के साथ आती है। साथ ही साथ फिन लैदर से डिजाइन की गई इन सीटों के ऊपर कवर्स देखने को मिलते हैं, जो कि कटने फटने से आपकी सीटों को प्रोटेक्ट करते हैं। अपोल सीट्स की खासियत है कि आप इस कार की सीटों को 6 तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो मारुति सुजुकी अपनी कारों में सेफ्टी फीचर्स का ख्याल रखती है, मगर मारुति सुजुकी से भी कई धाकड़ कंपनियां भारत में मौजूद है, जो कि सेफ्टी फीचर्स के मामले में ग्राहकों को एक कंफर्टली के साथ एक बढ़िया बिल्ड क्वालिटी भी देती है। मगर आप सभी को नई आने वाली ऑल्टो में एक बढ़िया बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि कंपनी ने अपनी ऑल्टो के नेक्स्ट जनरेशन 2022 वेरिएंट के अंदर न्यू हाईटेक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 70% तक स्टेनलेस स्टील से अपडेट की गई बॉडी को डिजाइन दिया गया है, जो कि लाइटवेट होने के साथ ही साथ काफी स्ट्रॉन्ग और बिल्ड क्वालिटी में आप सभी को एक नंबर वन कार देखने को लगने वाली है। 5 एयरबैग्स, साइड एयरबैग्स की सुविधा भी मिलती है, ABD टेक्नोलॉजी, ABS रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक तथा फ्रंट कैमरे को भी शामिल किया गया है। है ना कमाल की बात, यानी आसपास के व्यूज को आप आसानी से इंफोटेनमेंट सिस्टम में देख सकते हैं। पार्किंग करते हुए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। IFSO फिक्शन लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, टेक्शन कंट्रोल जैसे बेहतरीन फुल साइज SUV वाले फीचर्स माइक्रो SUV कार ऑल्टो में आपको मिलने वाले है। आखिरकार कब होगी ये कार लॉन्च और क्या होने वाली है कीमत और कितना करना पड़ेगा, हमें इस कार के लिए इंतजार। तो पहली बार दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो की प्री बुकिंग मारुति सुजुकी ऑफिशियल वेबसाइट और डीलरशिप द्वारा प्री स्टार्ट हो चुकी है, यानी आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद आसानी से ऑनलाइन तरीके से या फिर ऑफलाइन तरीके से 5000 रुपए के टोकन अमाउंट के साथ बुक कर सकते हैं। तो ना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले कार को बुक करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। सिंपली अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए, मिलेगा आपको डायरेक्ट लिंक, आसानी से पहुंच के कार की जानकारी लेकर अपनी फैमिली के साथ बुक भी कर सकते हैं। कीमत के मामले में नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो की स्टार्टिंग कीमत 3.20 लाख रुपीस से लेकर 5.20x लाख होने वाली है, जो कि इसका एक्सशोरूम प्राइस रखा गया है। तो वीडियो में बनाने में लगता है काफी टाइम, तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट का भी इस्तेमाल करके कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।